हाँ जी गुड इवनिंग चलो एक टॉपिक बचा हुआ था और इसके बाद हमारा डेरिवेटिव पूरी तरह से खत्म रियल ऑप्शन ही है कि सर हाँ जी रियल ऑप्शन है रियल ऑप्शन में ऑप्शन का वैल्यू निकालना एस पर बी एस एम अरे भाई सर बी एस एम तो हमको को वैसे ही नहीं पढ़ना होता ब्लैक सोल्स मॉडल जैसे तैसे स्टॉक में हमने रट्टा मारा था अब वो यहां भी आ गया हाँ जी यहां भी आ गया है सर पीएसएम इन रियल ऑप्शन टॉपिक का नाम लिख लेके लिख लो बिट बीएसएम इन रियल ऑप्शन पीएसएम इन रियल ऑप्शन सर इंपॉर्टेंट है क्या आने के चांसेस बहुत ज्यादा है उसकी एक वजह सुनोगे रियल ऑप्शन के टोटल डेरिवेटिव्स में, अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं मेरे पास डेरिवेटिव का आपका आईसीएआई का मॉड्यूल आईसीएआई के मॉड्यूल की बात करता हूं तो भाई रियल ऑप्शन के क्वेश्चन है अगर मैं कहूं क्वेश्चन नए कुछ आया है क्या हमारे एएफएम में यस yes. रियल ऑप्शंस के ही क्वेश्चन है एक है क्वेश्चन इलेट्रेशन नंबर पेज नंबर नाइन पॉइंट थ्री नाइन पे मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको ये वाला पेज नंबर नाइन पॉइंट थ्री नाइन पे इलेट्रेशन नंबर फोर है इसके अलावा इलेट्रेशन नंबर फाइव है इसके अलावा इलेट्रेशन नंबर सिक्स है तो पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको फाइव और सिक्स कॉन्सेप्ट के साथ समझा चुका हूं ठीक है ओके डेरिवेटिव का अमेंडमेंट चल रहा है फाइव और सिक्स करवा चुका हूं जिसमें मैंने टाइमिंग ऑप्शन था बाइनोमियल का यूज किया था अब किसका यूज करने वाला हूं सर अब मुझे समझाना पड़ेगा कि रियल ऑप्शन में कैसे यूज किया जाता है ओके तो बस आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है ये तीन क्वेश्चंस अच्छे से करके चले जाना चाहे समझ में आए चाहे समझ में नहीं आए मुझे उम्मीद है कि समझ में तो आ ही जाएगा दो तो आ ही गए हैं एक और समझ में आ जाए तो अच्छा मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको कॉन्सेप्ट समझाने कॉन्सेप्ट समझाने की अगर आ भी जाए तो हम तैयार हैं और आएगा तो ऐसे ही आएगा उठाकर दे देगा आपको ओके सर तो सर करे क्या नहीं अभी नहीं पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तो याद करो मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था रियल ऑप्शन का Uh, मैं वो एग्जाम्पल कॉपी खोल लो किया होगा पहली क्लास में किया है मैंने कहा अमेंडमेंट की टोटल तीन क्लासेस है तो तीन क्लासेस में पहली क्लास में मैं रियल ऑप्शन होता क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा था ओके okay. तो सर उसमें हुआ क्या था मैं आपको याद दिला रहा हूं बस उसमें हुआ ये था कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 500 ठीक है सर 500 लाख रुपया आज लगाना है तीन साल का प्रोजेक्ट है और हमारा अनुमान है कि पहले साल तीन सौ लाख आएगा फिर वन फिफ्टी लैक्स आएगा और फिर हंड्रेड लैक्स आएगा ठीक है और डिस्काउंटिंग रेट है टेन परसेंट तो आपको एनपीवी निकालना है सिर्फ फाइव हंड्रेड लैक्स किस में लग रहा है किसी प्रोजेक्ट में लग रहा है बिल्डिंग में लग रहा कुछ भी हो सकता है और हमने कहा चलो पांच लाख लगाते तो थ्री हंड्रेड और हंड्रेड लैक्स आएगा यहाँ तक हो गया था और जब हमने एनपीवी निकाला तो एनपीवी तो नेगेटिव आ रहा था याद करो याद दिला रहा हूं याद दिलाना जरूरी है आपको ओके सर एनपीवी नेगेटिव आया फिर मैंने बोला था यार तीन साल बाद इलेक्शन है ओके अभी स्टार्ट तो करो तीन साल बाद अगर गवर्नमेंट हमारी रही रही तो हम इन्वेस्टमेंट करने कर कर सकते कर सकते इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल दिया था ओके okay. तो बोले तीन साल तक चलाओ तो सही तीन साल बाद हमारे पास ऑप्शन भी तो है अगर इलेक्ट्रिसिटी पे हमको कुछ कंसेशन मिलता है ऐसा कुछ समझाया था तो बोले ये जो बिल्डिंग है ये जो प्रोजेक्ट है काम आ जाएगा बोले इसमें जो लगाए लगाए और एक हजार लगा एक हजार लाख लगाएंगे हम इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे वन थाउजेंड और ये उम्मीद थी कि हाँ, ये आएगा एक लाख पर एन तो उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ले लिया था इट मीन्स क्या कहना चाहता हूँ अगर आज ये सोचू कि प्रोजेक्ट करना चाहिए तो हम मना कर देंगे क्योंकि एन भी नेगेटिव है दूसरा हम ये ना सोचे हम इसमें तीन साल चलाते हैं अब तीन साल बाद सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट आने वाली है और गवर्नमेंट जो आएगी हम इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करेंगे जो भी इस प्रोजेक्ट को जो पैसा लगा रहे हैं हम उसको यूज कर लेंगे और उस अगर सही हमारे हिसाब से गवर्नमेंट आई तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाएगी जो भी हो और एक हजार लाख रुपए लगाएंगे प्रोजेक्ट में और बारह सौ लाख रुपए मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लाख और दूसरा अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई तो फिर बोले आठ सौ लाख का एक इट मीन हमारे पास यहां एक ऑप्शन है हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर भी सकते इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सकते डिस्कस किया हुआ है डिस्कस किया हुआ है सर याद दिला रहे हो आप हाँ जी मैं याद दिला रहा हूँ आप सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाहूंगा सर देखो ना सर पॉजिटिव है दो सौ लाख यस इसको आप एनपी भी बोल सकते हैं सर लग, लाख लगाना है बारह सौ लाख आएगा तो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ वन थाउजेंड लैक लगाकर सिर्फ आठ सौ लाख आएगा तो सर नेगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे ठीक है अब मैंने कहा दो सौ लाख आने की क्या प्रोबेबिलिटी याद दिला रहा हूँ दो सौ लाख आने की क्या प्रोबेबिलिटी है पॉइंट सेवन और सर अगर नेगेटिव हुआ तो करेंगे नहीं यही मैंने समझाया था बायोमियल में प्लीज पिछला लेक्चर देख लेना लेक्चर नंबर वन अगर दिक्कत होगी तो और फिर मैंने इसको कॉल ऑप्शन बोला था सर क्यों कॉल ऑप्शन बोले थे आम आदमी के हिसाब से तो यार एनपीवी है लेकिन अब समझने की कोशिश कर हमें जो पैसा लगाना है वो कितना लगाना है सर हमें लगाना एक हजार लाख ठीक है इसको मैंने नाम दिया था एक्सरसाइज प्राइस और जो फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा उसको मैंने कहा उसका नाम है स्टॉक प्राइस स्टॉक प्राइस क्यों बोला था क्योंकि स्टॉक का जो वैल्यू निकाला ही ऐसे जाता है जो फ्यूचर में आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू याद करो डी वन डिवाइडेड बाई के ई मैनर्जी आपको याद होगा सर ये एक्चुअल हाँ मैं कह रहा हूं फ्यूचर में जो आएगा जो पैसा आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 12 लाख और फिर मैंने कहा ये कौन सा ऑप्शन है ये है कॉल ऑप्शन और कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं इसको मैंने बोला था एक्सरसाइज प्राइस और जब प्राइस इससे बढ़ जाएगा जो पैसा आने वाला है सॉरी एक्सरसाइज प्राइस कितना 1000 तो अगर वन थाउजेंड लैक्स से ज्यादा आएगा तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे अगर वन थाउजेंड लैक्स से कम आएगा तो ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से हमने वैल्यू निकालना था और ये आ गया था वैल्यू ऑफ कॉल इट। रिवीजन करवाना जरूरी था सर जिसने पहली क्लास नहीं देखा रियल ऑप्शन की तो मत देखना सर जिसको बी एस एम नहीं आता है तो भी मत देखना दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मेरी पहली क्लास देखी हुई होनी चाहिए ये मेरी पहली क्लास कही है और दूसरा ताकि आपको ऑप्शन तो समझ में आए और दूसरा बी एस एम भी आना चाहिए और सर ये वैल्यू आ गया था यहां का एक सौ पांच पॉइंट वन एट फोर ओके मतलब यहां का वैल्यू आ गया था ऐसा फिर क्या किए थे वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता मैं ऐसा ही वैल्यू निकालना चाहता हूं पर अब बी एस एम से निकालना चाहता सर अगर आप बीएसएम को यूज करते हो तो क्या यही वैल्यू आएगा बेकार की बात है क्या बाइनोमियल से और बी से ऑप्शन का वैल्यू एक जैसा आता था बिल्कुल नहीं बाइनोमियल में कुछ एजेंशन थी कि दो पॉसिबल प्राइस हो सकते पर बी में ऐसा कुछ नहीं था अब इसी क्वेश्चन को लेके मैं बी का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं आराम से सुनना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं मुझे क्या निकालना वही निकालना है कि वैल्यू ऑफ कॉल ये क्या निकला दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ठीक है। सर एक्सरसाइज प्राइस मालूम है क्या यस yes. तो लिखूं हां तो ये एग्जांपल अभी नहीं कर रहे अभी आराम से सुनना मेरी बात सर एग्जांपल एग्जांपल पहला क्या मुझे एस मालूम है सर 1200 ई e मालूम है 1000 बस ये सब दिया रहेगा कुछ नहीं ओके okay. सर प्लीज फॉर्मूला लिखवाओ ना कोई फॉर्मूला नहीं है कोई फॉर्मूला नहीं है ओके तो सर क्वेश्चन में ई दिया है वन थाउजेंड और एस या एस जीरो दिया है ट्वेल्व हंड्रेड सर एस जीरो क्यों बोल रहे हो क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं और यहां रह के मैं वैल्यू निकाल रहा हूं इसलिए मैं इसको एस जीरो बोल रहा हूं ठीक है एस जीरो लिया मैंने एस जीरो ट्वेल्व हंड्रेड सर एट हंड्रेड क्यों नहीं लिया अब सुन लो ना भाई सुन लो मैं पूरी तरह से यही कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ उससे मुझे बी एस एम का आंसर निकाल लो बस ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलाना नहीं नहीं एक ही दो क्वेश्चन है ओके सर टाइम कितना टाइम मन से लिखना पड़ेगा मुझे सर ठीक है मन से लिख लीजिए टू इयर्स टू ईर्स और सर टाइम के अलावा टाइम के अलावा टाइम के अलावा सर आर आर ले लीजिए टेन परसेंट पर है ना? याद है ऐसा कुछ करवाया था मैंने हाँ सर आर भी मालूम है सर इसमें डी वन और डी टू तो नहीं निकालना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट निकालना पड़ेगा सर अगर बी एस एम याद नहीं है तो चल खत्म ठीक है सर आर भी ले लिया आपने टेन परसेंट अब बचा क्या सर अब बचा स्टैंडर्ड एडमिशन और स्टैंडर्ड एडमिशन ले लेते हैं फिफ्टीन परसेंट पर है ना फिफ्टीन परसेंट पर है अगर क्वेश्चन यही है सिर्फ यही है। और मैं आपसे बोलूं कि चलो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाली है। मुझे नहीं लगता कि कोई कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो ये क्वेश्चन छोड़ के आ सकता क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बी एस एम निकालना आता है सर लैंग्वेज यही लिखी रहेगी कि लैंग्वेज ये नहीं लिखी रहेगी लैंग्वेज ऐसे पैराग्राफ में रहेगा आपको निकालना पड़ेगा कि एस क्या है आपको निकालना पड़ेगा कि ई e क्या है आपको निकालना पड़ेगा आर क्या है ये सब निकालना पड़ेगा पैराग्राफ रहेगा हम उसके लिए तैयार हैं ठीक है सर लैंग्वेज ऐसी रहेगी लैंग्वेज पैराग्राफ में रहेगी हम उसको ऐसे बना लेंगे वो मैं पढ़ूंगा ना यार मेरे साथ पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा तो अगर मैं कहूं चलो बी एस एम से बनाइए तो आप यू बनाओगे यू बी एस एम से वैल्यू ऑफ कॉल निकालने के लिए बड़ा आसान है पर एक चीज में डाल रहा हूं वह है डिविडेंड डिविडेंड और वो ले लिया मैंने टू परसेंट सर तो अभी कौन सी नई बात है आपने एक क्वेश्चन करवाया था ये क्वेश्चन आपको आपको सर कौन सी बुक का क्वेश्चन है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा पर जो जो बच्चे जिन्होंने मुझसे क्लास ले रखा है प्लीज उनको मैंने क्वेश्चन करवाया हूं इस टाइप का जिसमें डिविडेंड भी है बीएसएम का यस सर और सर कहाँ करवाया था तो मैंने आपको करवाया जिनको भी ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या चक्कर है बीएसएम का इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है कि हाँ जी किया है और आपको करवाया था मैंने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चेक कर लो नंबर थर्टी एट पे मिलेगा और क्वेश्चन नंबर थर्टी टी में थर... और सर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है कि हाँ जी मेरे मन का नहीं है आप ही के न्यू ए एफ एम मॉड्यूल का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टी आई सी लिमिटेड वाला याद आया और जब टी आई सी लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था तो उसमें लास्ट वाले पॉइंट में डिविडेंड शब्द लिखा था दस रुपए और मैंने कहा कि जो स्पॉट प्राइस होता है इसमें से डिविडेंड माइनस कर दिया जाता डिविडेंड कितना टू परसेंट इसमें से डिविडेंड माइनस कर दिया जाएगा और मैंने आपको यह भी बोला था कि एक्स डिविडेंड लिया जाएगा हाँ सर हमने कुछ किया था हमने कुछ इसमें से डिविडेंड माइनस किया था यस और इसके अलावा मैंने मालूम है क्या बोला था और हाँ सर मैंने ये बोला था कि डिविडेंड माइनस करने की वजह क्या है क्योंकि एक होता है शेयर खरीदना शेयर खरीदते हैं, एक्चुअल में शेयर खरीदते तो हमको डिविडेंड मिलता देखो हम मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो मेरे पास दो सिचुएशन है मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं दो ही सिचुएशन है या तो मैं शेयर ही खरीद लू अगर मैं शेयर खरीद लेता हूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा लेकिन मैं ऑप्शन खरीदता हूं तो मुझे डिविडेंड का सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसलिए मैंने स्पॉट प्राइस से हम डिविडेंड माइनस कर देते और भी बहुत सारा समझाया था वो सब मायने नहीं रखेगा बस एक बात याद रखना कि इस, अगर डिविडेंड दिया है तो इसमें से इसमें से आपको डिविडेंड का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा ओके okay. तो सर डिविडेंड का अमाउंट कितना माइनस करना पड़ेगा अब पहले मैं सारी चीज़ें कर लूं। बी एस एम में कैसे करते थे प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना दोस्तों मैं जानता हूं आपके पास टाइम नहीं है बड़े बिजी चल रहे हो आप पर प्लीज़ ये क्वेश्चन अगर आ गए ना फिर मेरे नाम से कहोगे कि सर ये आपने करवाया नहीं था नया है बिल्कुल नया सर सीधा क्वेश्चन नहीं करवा सकते कि नहीं करवा सकता हूँ भाई नहीं करवा सकता सारी बातें अब सुनना ध्यान से ओके सर याद दिलाता हूं सर हम निकालते थे सी जीरो बिल्कुल और सर सी जीरो मतलब कॉल ऑप्शन का वैल्यू और एस जीरो इनटू होता था सर एन ईवन याद करो हाँ सर याद माइनस ई आर टी टू क्या होता था एन पक्का ना मैं स्लो ही चलूंगा मुझे नहीं करवाना है फास्ट कि यार ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाँ सर ये याद है पर मैंने आपसे बोला एस जीरो मत लेना इसमें से डिविडेंड माइनस करना ओके okay. तो सबसे पहला काम है कि हमें किसमें एडजस्टेड प्राइस बोला था हाँ सर याद आया आपने बोला था कि हमको लेना है एडजस्टेड प्राइस और आईसीएआई ने भी उसको एडजस्टेड प्राइस ही लिखा था ठीक है तो एडजस्टेड प्राइस क्या होता है कुछ नहीं भाई कुछ नहीं तो अल्टरनेटिव है एडजस्टेड प्राइस निकाल बिल्कुल बारीकियों से समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट समझ लो आल्टरनेटिव वन बैठो अब ध्यान से समझना मेरी बात दोनों तरीके से समझूंगा दोनों तरीके से पहला बात जो हमने डेरिवेटिव के बीएसएम डेरिवेटिव जब कर रहे थे जब हम बीएसएम कर रहे थे ऑप्शन प्राइसिंग उसमें समझा था कि देखो सर आ, कैसे निकालते प्राइस, प्राइस। सर ऐसा है कि डिविडेंड शब्द लिखा ना डिविडेंड तो सर सबसे पहले हमको डिविडेंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा बिल्कुल सही डिविडेंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा और डिविडेंड का अमाउंट निकालोगे तो कितना निकलेगा सर बारह सौ का टू परसेंट बारह सौ का टू परसेंट ठीक सर बारह सौ का टू परसेंट सर ट्वेंटी फोर आ गया यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ओके तो अब आगे क्या करना है? सर यहां तक तो हमने डिविडेंड और याद रखना क्या होता है डिविडेंड रेट या डिविडेंड रेट नहीं है कभी भी आपका मार्केट प्राइस पे डिविडेंड का अमाउंट निकलता है ओके सर यहां तक कोई समस्या नहीं है अब आगे क्या होगा सर काउंट का इश्यू और साइथ एक सेकेंड एक सेकेंड होल्ड करोगे हाँ जी मेरे ख्याल से अब वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा चलो जी हाँ वापस आ रहे हैं हम लोग मैं आपसे बोल रहा था कि सपोज डिविडेंड मान लो एक ही साल का एक ही साल का अभी मैं दो साल तक नहीं पहुंच रहा हूँ डिविडेंड का अमाउंट है चौबीस अगर एक ही साल का पीरियड होता तो आप ट्वेंटी फोर को कैसे एडजस्ट करते लिखना नहीं है अभी सुनना है बस सर ट्वेंटी फोर को हम ऐसे एडजस्ट करते आपने हमको सिखाया था लिखोगे नहीं प्लीज सुनना ध्यान से इसे जो स्टॉक का प्राइस है बारह सौ उसमें से जो डिविडेंड मिलने वाला है सर डिविडेंड कब मिलने वाला मैं कहता हूँ ईयर एंड में डिविडेंड मिलने वाला है और सर स्पॉट प्राइस है आज का तो सर जो डिविडेंड मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देते थे याद करो याद है कि नहीं याद है सर 24 मिलने वाला याद करो उस क्वेश्चन में 24 दो महीने बाद मिलने वाला था तो हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू माइनस किया था बस उतना ही करना था इट मींस सर मा, इसको हम हमेशा कम डिविडेंड मानते हैं क्या पैसा समझ लो इसको हमेशा कम डिविडेंड मान रहे हैं और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मैंने वहां समझा रखा कि ऐसा क्यों करते हैं उसकी वजह बस इतनी है ऑप्शन में हमें डिविडेंड का फायदा नहीं मिलता इसलिए हम डिविडेंड हटा देते बस अभी इतना बस समझ लो बस और कुछ तो सर ट्वेंटी फोर को हम डिस्काउंटिंग करेंगे यस रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग करते थे क्यों क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट दिया होता था प्लीज 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 प्लीज, प्लीज कास बारीकिया समझ पाऊं जब आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था जब आ, जब आपने डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री किया था ना ट्वेंटी थ्री वहाँ डिविडेंड का अमाउंट दिया रहता था आप रिस्क फ्री से उसको डिस्काउंटिंग कर लेते थे जो भी रेट दिया रहता था उससे डिस्काउंटिंग कर लेते थे ओके सर और डिस्काउंटिंग करने पर आपका आंसर भी आ गया था वहाँ पाँच परसेंट से आपने डिस्काउंटिंग किया था पॉइंट नंबर कौन सा था यारो फोर्थ ओके सर यहां ऐसा नहीं होगा यहां काम क्या होगा प्लीज सुनना ध्यान से, यहां जो डिस्काउंटिंग होगा वो डिविडेंड से ही होगा सर उसकी वजह क्या है उसकी वजह सिंपल सी बात है कि जो डिविडेंड दिया है ना मेरी बात समझो ये आस समझो सर इसको रटवाने के लिए रटवाने के लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अगर डिविडेंड का अमाउंट दिया अमाउंट निकाल कर दे दिया अगर अमाउंट निकाल कर दिया है, तो हमारा ये मानना है कि यार वो मिलने वाला हो चुका है अगर अनाउंसमेंट हो चुका है तो पक्का पक्का मिलेगा अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है तो फिर आप इसको रिस्क फ्री से डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते फिर आपको डिविडेंड से ही डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा जो कि है दो परसेंट अगर आप दो परसेंट से डिस्काउंटिंग करोगे और फिर माइनस करोगे मान लो एक साल बाद है। एक बार करके देखो सर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग अभी मतलब तो बाद में समझाऊंगा अगर इसको मैं वन पॉइंट जीरो टू से माइनस कर देता हूं ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय वन पॉइंट तो सर ये आ गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव टू नाइन फोर माइनस बारह लिखना नहीं है अभी तो सर ये आ गया ग्यारह छिहत्तर पॉइंट फोर से दिस इज एडजस्टेड प्राइस अभी तक कुछ सीख नहीं रहा है अभी एक बारीक चीज सिखा रहा हूँ एडजस्टेड प्राइस कैसे निकाला जाता है जब जब भी क्वेश्चन में बीएसएम के क्वेश्चन में डिविडेंड दिया रहेगा आपको जब भी D1, D2 बहुत कुछ निकालना जो भी काम करो कभी भी इस प्राइस से डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू माइनस करना है अगर डिविडेंड का अमाउंट दिया है तो रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग कर लेना अगर डिविडेंड शब्द दिया है तो फिर डिविडेंड रेट से डिस्काउंटिंग कर लेना बात खत्म ठीक कुछ विशेष बात है क्या कुछ विशेष बात नहीं बाकी सारी बातें मैं बीएसएम के अंदर कर चुका हूं आपके साथ लेकिन रियल ऑप्शन में आईसीआई में ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है नंबर नंबर तो ऐसे भी मिलेगी आपको नहीं आंसर तो ऐसे भी आएगा पर नंबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस एक क्वेश्चन के, के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट कहता हमको ऐसे नहीं निकालना हमको मजा नहीं आ रहा हमने कहा तो, तो बोले हमारे पास एक तरीका है और तरीका ये है कि जो 1200 है ना उसी को डिवाइडेड बाय 1.02 कर दो क्या आंसर इतना ही आएगा और क्या बात कर रहे हो 1200 डिवाइडेड बाय 1.02 1176 हाँ सर सीरियसली आएगा ना बिट्टे अल्टीमेटली थोड़ी तो बारीकियों से सोचो वही तो कर रहे हो आप लोग सर तो मतलब वो बोलता यार देखो डिविडेंड यील्ड दिया है ना डिविडेंड यील्ड तो भाई साहब सुनो ध्यान से हमको ऐसे नहीं करना है हमको ऐसे नहीं करना ट्वेंटी फोर को डिस्काउंटिंग नहीं करना हम सीधा जो स्पॉट प्राइस है उसी को डिविडेंड से डिस्काउंटिंग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ठीक ओके okay. समझ गए हो ना मतलब सर अगर इसको मैं डिविडेंड से डिस्काउंटिंग बहुत सारे बच्चे ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं सर इसको डिविडेंड से क्यों डिस्काउंटिंग कर रहा है इसको डिविडेंड से इसलिए डिस्काउंटिंग कर रहा हूं क्योंकि इसमें अच्छा ठीक है सर तो सर लिखिए क्या अल्टरनेटिव वन हमारे काम आएगा कि बिल्कुल नहीं आएगा तो सर अल्टरनेटिव वन जो इंस्टीट्यूट ने करवा रखा बस वैसे ही करवाइए वैसे ही कर दो साल का है ना डिविडेंड तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर उसको डिस्काउंटिंग करके माइनस करते ओके okay. तो मैं कोई अल्टरनेटिव नहीं लिखवा रहा हूं मुझे मालूम है कि यार मुझे वही करवाना जो इंस्टीट्यूट ने कर तो एक्चुअल में आईसीएआई का क्या फॉर्मूला है अगर डिविडेंड दिया तो बिल्कुल ध्यान से समझना सर इस क्वेश्चन में नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में मैं एडजस्टेड प्राइस हालांकि मैं और शॉर्टकट मारना चाहता था लेकिन ना आप डर जाओगे एडजस्टेड प्राइस कैसे निकाल एडजस्टेड प्राइस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और वैसे नहीं कर सकते वो जो करना था वो स्टॉक के ऑप्शन प्राइसिंग में आपने कर लिया था रियल ऑप्शन में आपको क्या करना है सर रियल ऑप्शन में हमको एडजस्टेड प्राइस निकालना यस मतलब एस जीरो ही निकालना है ना अल्टीमेटली एज जीरो स्टार बोल दो एस जीरो निकालना सर बारह सौ बट 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 क्योंकि बी एस एम में तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज होता है तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा जीरो पॉइंट जीरो टू एक साल का है तो मुझे दो साल से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा ठीक है मान लो कि मुझे एक साल दो साल डिविडेंड मिल रहा तो उसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा तो सर बारह सौ डिवाइडेड बाई ई पॉइंट जीरो फोर और बारह सौ का पॉइंट जीरो फोर कैसे निकलते हैं पॉइंट जीरो फोर डिवाइडेड बाई फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो फोर जीरो एट वन भी है चलो चार तो सर बारह सौ डिवाइडेड वन पॉइंट जीरो फोर जीरो एट तो सर आंसर आ गया वन वन फाइव टू पॉइंट नाइन सिक्स घंटे की मेहनत है मैं जानता हूं मेहनत एक घंटा आपको पास करा देगा ओके okay. सर अगर हमको 1200 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ डिविडेंड माइनस करना होता तो क्या माइनस करते हैं वैसे ही पूछ रहे हैं माइनस बेटे कर... पहला साल है डिविडेंड 24 मिलेगा दूसरा साल है उसमें दो साल का ना और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 1200 से माइनस करो यही आंसर आएगा यही आंसर आएगा मतलब ट्वेंटी फोर का प्रेजेंट वैल्यू और दूसरे साल जो ट्वेंटी फोर मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू किससे डिस्काउंटिंग करोगे दो परसेंट से आंसर यही आएगा पर क्यों बेकार में रिसर्च करें हम लोग मतलब ही नहीं अभी मुद्दे की बात क्या समझ में आई सर मुद्दे की बात ये समझ में आई की की, की, की की हाँ बोलो कि हमको अगर डिविडेंडिडेड शब्द दिया है तो डिविडेंड हटाना पड़ेगा वो हमने हटा दिया अच्छा एक बात तो आपको ये भी पता होगा कि कभी कभी एस जीरो जैसे बारह का प्रेजेंट वैल्यू है तो वो ऐसे भी लिखता है बारह e ई माइनस पॉइंट जीरो टू बात समझ में रहा है भाई डिस्काउंटिंग करने के दो तरीके डिवाइड कर दो दस परसेंट से डिस्काउंटिंग करना सर वन पॉइंट वन जीरो से डिवाइड कीजिए या फिर जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन से मल्टीप्लाई कीजिए याद मल्टीप्लाई हाँ तो, या तो कीजिए या तो फिर फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो दिखाया ना मतलब प्रेजेंट वाली फैक्टर वन से कम ही होगा तो सर वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फोर जीरो वन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो करते थे ना तो नाइन जीरो नाइन आता था तो सर वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फोर जीरो एट तो सर ये आ गया जीरो पॉइंट नाइन सिक्स जीरो एट सर आंसर उतना ही आएगा कि हाँ जी आंसर उतना ही आएगा ठीक सर अधिकतर कैसे कर रहे है रियल ऑप्शन में वो ये वाला यूज करता है बी में और हम इसके लिए तैयार हैं बात एक ही है यार ये तो सर आप बताए हुए हो हाँ मैं जानता हूँ मैंने सब बताया पर यहाँ हाथ दिलाना जरूरी है यहाँ ठीक है सर ये काम हो चुका है ओके okay. तो अभी एक बात समझ में आई सर वो रट लेंगे हम कि हमने क्या माइनस किया है हमने माइनस किया है तो इसमें से डिविडेंड अमाउंट माइनस किया है एक्चुअली ये डिस्काउंटिंग बहुत सारे बच्चे ना दिमाग खराब करते हैं वो बोलते सर सुनो ना एज जीरो मतलब आज का वैल्यू और उसको भी आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो मतलब हद नहीं कर रहे हो ये समझ में आता है इसको डिस्काउंटिंग क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस बात का है उसको डिस्काउंटिंग समझ में भी आता है इसको डिस्काउंटिंग कर रहा यार, है रहे को भाई डिस्काउंटिंग नहीं कर रहा हूं दोस्तों डिविडेंड हटा रहा हूं ओके सर डन करे काम आगे यस yes. आगे काम क्या करना सर डी वन निकालना डी टू निकालना एन डी वन निकालना एनडी टू निकालना बस एक्सपर्ट हो गए हम तो चलो अब निकाल रहे हैं हम लोग डी वन ए जीरो e. वाला लोगे ना हाँ यही तो लेते थे और यही वाला लेंगे सर ये वाला तभी तो यूज है ना इसका यही वाला लेंगे हाँ बेटे हाँ यही वाला लेते और यही वाला लेना भी चाहिए आंसर एक ही आएगा तो मैंने कहा ना मुझे इंस्टीट्यूट को फॉलो करना आई सी ए आई ये वाला नहीं लेगा वो बारह सौ लेगा रियल ऑप्शन सर क्या बात कर ये लोगे तो भी आंसर वही आएगा ये लोगे तो भी आंसर वही आएगा हाँ जी ठीक है सर दिखाना यहाँ नहीं दिखाऊंगा यहाँ नहीं आएगा क्वेश्चन में आएगा उसकी वजह मैं बता दूंगा मतलब सर आप क्या करोगे मैं बता रहा हूं फॉर्मूला पहले पूरा करूँ यस और आर माइनस डी ओह प्लस By into t. और आपको डीवन, सर डीवन का फॉर्मूला याद है सर डी वन में दिक्कत नहीं हमको मालूम है जेड निकालना है और जेड के लिए आपने बताया था एक्स माइनस यू स्टैंड एक्स है ये यू है ये स्टैंडर्ड ये, ये, ये पता है आता है ये डी कहाँ से आ गया डी आया कहां से ये बताओ सर डी का मतलब डिविडेंड सर डी का मतलब डिविडेंड तो समझ में आ रहा लेकिन यार पहले भी तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था जिसमें बीएसएम में डिविडेंड था हाँ जो बीएसएम में डिविडेंड था वो हम इससे माइनस कर देते थे जो क्वेश्चन नंबर थ्री है मैं उसकी बात कर रहा हूँ थ्री है कि ट्वेंटी है जो भी हो सर वो आपने यहाँ से माइनस प्लीज जिन लोगों ने डेरिवेटिव किया ही होगा वो प्लीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ओपन कर लेना और ए एफ एम के मॉड्यूल में तो है ही वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन में याद है हमने यहां से डिविडेंड माइनस किया था हाँ सर हमने ये वाला उठाकर लिखा था प्राइस किधर गया ये वाला लिखा था ग्यारह सौ बावन पॉइंट नाइन सिक्स और अब आपका कहना है कि ये कितना लिखाया जाएगा बारह सौ जब मैंने यहां डिविडेंड हटाया था तो यहाँ डी माइनस नहीं किया था इस बार मैं कहता हूं यहां बारह सौ लिखूंगा और यहां डी माइनस करूंगा रुक जाओ थोड़ा सा ओके okay. कैसा भी करूं आंसर वही आने वाला अच्छा सर यस आंसर वही आएगा लेकिन इस एग्जाम्पल में नहीं आएगा ये प्रॉपर सेट नहीं है क्वेश्चन में आएगा और इसके आगे जो भी क्वेश्चन अगर मैं इसको सेट करके भी दे सकता था आंसर आ जाएगा अभी मुझे नहीं करवाना अभी मैं जो कहना चाहता हूँ प्लीज ध्यान से समझ ओके सर हमें डी वन निकालना सबसे पहले तो नेचुरल लॉक लिया वैसे हमारा दिल कर रहा था ये वाला प्राइस लेने 1, 1, 5, क्योंकि यही लिया था पर इस बार मैंने यहां कितना ले लिया ट्वेल्व हंड्रेड और एक्सरसाइज प्राइस कितना है वन थाउजेंड प्लस आर का मतलब रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री रेट कितना है जीरो पॉइंट वन जीरो और यहाँ डिविडन जबरदस्ती माइनस कर बस माइनस ही तो करना जो यहाँ से माइनस करो वो यहाँ माइनस कर रहा हूं बस और कुछ नहीं अगर मैं इसको यहाँ से माइनस ना करके यहाँ से माइनस करता तो भी मेरा आंसर वो ही किया था हमने बी के क्वेश्चन में इस बार मैंने यहाँ से ना माइनस करके सर क्यों आई के रियल ऑप्शन करने ऐसे ही सोल्व किया ऐसे ही सॉल्व करना आंसर ही आएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें नहीं आएगा फ्रेमिंग गलत है मेरे एग्जाम्पल की पर जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन जो डाला हुआ है मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ जब ये बनाएंगे आंसर एक ही आएगा ओके सर टाइम पास मत करो थोड़ा सा जल्दी चलो ओके प्लस स्टैंडर्ड एविएशन मैंने दिया था कि यस पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाई टू और टाइम कितना है दो साल तो सर वो जो बी एस एम का क्वेश्चन उसमें हम ऐसा कर सकते कि बिल्कुल नहीं कर सकते नंबर कटेगा डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविशन कितना भाई सर पॉइंट वन फाइव फाइविकल स्टैंडर्ड एविशन तो सर एल एन पॉइंट टू जीरो प्लस सर पॉइंट वन फाइव इंटू इक्वल टू डिडेड बाई टू इंट पॉइंट जीरो एट इंटू पॉइंट डबल जीरो वन एट टू स्क्वाइंट एलन वन पॉइंट टू जीरो का वैल्यू कैसे निकलते सर सिंपल है अपोजिट ही तो जाना है जैसे कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग होता ना याद है कि नहीं एलन नेचुरल लॉग सर कैसे निकालते थे यार सर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग निकालते थे ऐसे डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स करते थे प्लस वन करते थे इंटू इक्वल टू बारह करते थे इस बार स्क्वायर रूट बारह कर देंगे बिल्कुल सही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिर माइनस वन इंटू फोर जीरो नाइन सिक्स आ गया फ्री आ गया जीरो पॉइंट वन एट टू थ्री दस पॉइंट डबल जीरो वन एट डिवाइडेड बाय पॉइंट वन टू वन वन पॉइंट एट थ्री 0.0018 0.2121 तो so, 0.86 मैं इंटरपोलेशन करना नहीं चाहता तो मैं इसको दो ही डिजिट में राउंडेड ऑफ कर रहा हूं ताकि मुझे वैल्यू दिख जाए है ना यार क्वेश्चन में करेंगे जो भी करना एग्जांपल है और ये तो हमने खुद खूब इंटरपोलेट किया है कि nd1 कैसे निकलते अभी मैं सीधा-सीधा लिखूंगा सीधा-सीधा लिखूंगा क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं इंटरपोलेशन ओके okay, सर तो अब क्या निकालेंगे सर अब निकालेंगे डी टू डी टू का फार्मूला वही है जो था सर डी टू का फॉर्मूला है डी वन माइनसिकल स्टैंडर्ड एविएशन डी वन निकला था पॉइंट एट सेवन सर डी वन निकला था पॉइंट एट वन माइनस पॉइंट टू वन वन डी टू आ जाएगा सर 87, मतलब सर हमें चाहिए मैं प्लीज मैं रफली उठा रहा हूं मैं बिल्कुल पे नहीं हूं, क्योंकि मुझे इंटरपोलेशन नहीं करना है और ये सब मैं करवा चुका हूँ अच्छे से इस पर मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा चेक करो कहाँ मिलेगा सर ये किसी भी मेरी बुक में चले जाना तो आपको एक टेबल मिलेगा टेबल मिलेगा पेज नंबर सिक्स पर और उसमें देखो पॉइंट एट सिक्स के सामने कुछ दिया है क्या पॉइंट एट सिक्स के सामने पॉइंट एट सिक्स के सामने पॉइंट एट फाइव है सर पॉइंट एट फाइव वाला ले लेता हूँ पॉइंट वन नाइन सेवन सेवन पर इतना तो पता है ना कि ये टेल एरिया दिया हमें क्यूमेलेटिव लेना तो फाइनली आ गया एन डी वन इज टू वन माइनस पॉइंट एट सिक्स का दिया है क्यों लड़ रहे मुझे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा उतना टाइम नहीं है मेरे पास एन डी वन आ गया जीरो टू थ्री क्या समझाने की कोशिश करूं बस एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉइंट ये ये समझाया कि यार किस तरह से काम होता है बीएसएम में रियल ऑप्शन मैं ये इंटरपोलेशन करवाने नहीं आया हूं ये आपको मैंने खूब करवा चुका हूं प्रैक्टिस ओके okay, सर ऐसे ही क्या निकालेंगे एन टू तो मतलब डी टू मतलब पॉइंट सिक्स सिक्स देखना मैं पॉइंट सिक्स फाइव देख लूंगा पॉइंट के सामने क्या वैल्यू प्लीज बताओ सर पॉइंट के सामने हमें दिख रही है पॉइंट पॉइंट टू फाइव सेवन एट इसको रूल से मत बना लेना यार इतने समझदार हुआ आप लोग सर ठीक है सर एन डी टू निकल गए हमारा तो एन डी टू वन से माइनस कर देंगे सर तो सर वन माइनस पॉइंट टू फाइव सेवन सर पॉइंट सेवन फोर आप क्या निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अब देखना फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे बनाया एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला नहीं है रियल ऑप्शन अब क्या है सर वो बता दो और फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे उन्होंने कहा फॉर्मूला ऐसे है अब ध्यान से मना सी जीरो सर तो पुट होता तो पुट का मैं करवा चुका हूं यहां मेरा टारगेट है कि जो एक क्वेश्चन आया है उसको करवा दूं भाई बस बहुत है सर सी जीरो इज इक्वल एस जीरो इंटू ई पावर डिविडेंड एंड आर टी आर टी की जगह सर वाई टी लिख सकते कि वाई टी कहा सब समझ गए सर वाई टी एन वाई का मतलब यिल्ट टी का मतलब टाइम ये क्यों कर रहे हैं सर अब समझो ना बेटे कुछ नहीं किया मैंने मैं यहां लिखूंगा कितना लिखूंगा मैं बारह ही लिखूंगा एस जीरो इंटू वाई टी आर टी की जगह वाई लिखा तो सर अल्टीमेटली ग्यारह यस यहाँ ग्यारह ही लिखने वाला हूं यहाँ ग्यारह पर एस को वो अलग से एडजस्टेड प्राइस नहीं निकालता वो इसी में मल्टीप्लाई कर देता बच्चों के होश उड़ गया क्वेश्चन में सर ये बीएसएम भाई मैं मुझे करवाने तो देते मैं करवा रहा हूँ ना ओके सर ठीक है फिर, फिर माइनस फिर क्या करवाया था सर ई अब वो ई डिवाइडेड बाई आर टी होना चाहिए वो इंटू वाले पे जा रहा है तो ठीक है भाई चले जाए माइनस माइनस आएगा अगर इंटू वाले पे जा रहा सर आर टी इंटू एन डी टू अब इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं है सर अब हमारा हो जाएगा हमको पूरी उम्मीद बस खत्म यही था ओके। तो एस जीरो अब मैं कितना लूंगा ट्वेल्व हंड्रेड ई अगर देखो मैं इसको रिपीट नहीं करूं, कर रहा हूं मैं उठाकर लिख दूँ क्या सीधा हाँ सर लिख दीजिए उठाकर सीधा ये आप ऑलरेडी कर चुके पॉइंट नाइन सिक्स जीरो टू थ्री एट जीरो बहुत सारे बच्चों का सर आपने हटा दिया हटा दिया प्रेजेंट वैल्यू कैसे कर लिया भाई प्रेजेंट वैल्यू कर ही नहीं रहा हूँ मैं डिविडेंड हटा रहा हूँ एक्सरसाइज प्राइस कितना था सर वन थाउजेंड ये इंटू है सर इंटू लिखो ही मत ना यार आप सीधा नहीं लिख सकते ऐसा ठीक है सीधा लिख रहा हूँ अब यार इसका वैल्यू नहीं मालूम मुझे ई पावर आर 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 ई पावर आर आर कितना है सर r है दस परसेंट दो साल के लिए देखना पड़ेगा और ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है पॉइंट सेवन फोर टू टू बारह सौ इंटू पॉइंट नाइन सिक्स जीरो एट इंटू पॉइंट एट जीरो सर आ गया नाइन ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो टू माइनस सर एक हज़ार इन वन पॉइंट वन जीरो फाइव टू इंटू इक्वल टू सर ये कैसे किया भाई मुझे मैं उसको मैंने ट्वेंटी परसेंट तो का आ गया आप फोर जीरो नाइन सिक्स वाले से कर लेना सर सही तो किया अरे यार बड़ी दिक्कत है कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग तो मैंने यूज ही नहीं करते हम लोग टेबल हम तो कैलकुलेटर से ही करते सर कल हो ना प्लीज़ पॉइंट टू डिवाइडेड बाई फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये तो कुछ और आ गया फिर से पॉइंट टू डिवाइडेड बाई फोर ज़ीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन पॉइंट टू टू वन फोर एक तो है कर एक हजार इंटू वन पॉइंट टू टू वन फोर इंटू पॉइंट सेवन फोर टू टू जो भी आया माइनस नौ सौ पच्चीस पॉइंट जीरो टू तो वैल्यू ऑफ कॉल आ गया रुपीस एटीन पॉइंट फाइव जीरो तो क्या क्या सीखा बस ये चीज़ें याद रख मैं इस क्वेश्चन के लिए क्यों मेहनत करवा रहा हूँ पता है पता नहीं मेरा दिल कर रहा आने के बहुत ज़्यादा है इसलिए मेहनत कर आप क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा सर आपने टोटल फोर्टी फाइव मिनट्स हमारा बर्बाद कर दिया सॉरी सॉरी पर मुझे पास करवाना है यार ओके तो क्या क्या चीज़ याद रही है? रहने वाली है? सर याद कुछ नहीं ये डी आपने इधर चिपकाया है ओके और सर यहाँ आपने एच ज़ीरो लिया है ठीक है मतलब जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो अब एच जीरो को ही जब डिविडेंड हटा रहे हैं तो एच जीरो का ही प्रेजेंट वैल्यू मतलब कुछ स्पेशल नहीं है बस इतना है कि डी यहाँ माइनस किया ओके okay. रियल ऑप्शन में डिविडेंड कहां से आए है प्लीज एक्चुअली रियल ऑप्शन में होता क्या एक्चुअली क्वेश्चन बताएगा अब ध्यान से समझना मैं कुछ कहना चाह रहा हूं कहा समझ पाओ प्लीज भाई आपका जो प्रोजेक्ट सुनोगे ध्यान से आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने साल का है वैसे तो डिविडेंड यील्ड देना चाहिए पर मेरे मेरी बात सुनो आपका प्रोजेक्ट कितने साल का तो आपका क्या, आपका ये कहना है सर हमारा प्रोजेक्ट ना बीस साल का है हमने कहा ठीक है एक दो तीन प्लीज समझना कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सर बीस साल है टोटल बीस साल अल्टीमेटली आपको याद करना ही पड़ेगा अगर नहीं समझोगे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करो नहीं तो याद करना पड़ेगा सर बीस साल का है और मैंने कहा इन बीस साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो बोले पाँच लाख आ गया पाँच लाख इट मीन्स जो मेरे पास है उनका मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो कितना आ गया पांच सौ लाख बीस साल तक जो आ रहा है बीस साल तक जो आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो कितना आ गया फाइव हंड्रेड लैक्स इट मीन्स ये पांच सौ लाख प्रेजेंट वैल्यू है ये टोटल मिलाकर कितने साल का सर बीस साल का है ना हो गया ना सर एक ही बात को आप क्यों रिपीट करते मुझे बस इतना बता दो ऑन एन एवरेज में ऑन एन एवरेज हर साल का कितना रुपया कमा रहा हूँ ऑन एन एवरेज टोटल बीस सालों में मैं फाइव हंड्रेड लैक्स कमा रहा हूँ ऑन एन एवरेज हर साल में कितना कमा रहा हूँ सर सिंपल है पाँच सौ डिवाइडेड 20 सर पच्चीस लाख रुपए कमा रहा है पच्चीस लाख क्या आप मुझे परसेंटेज में बता सकते हो हाँ सर परसेंटेज में बता सकते हैं पच्चीस लाख डिवाइडेड बाय पांच सौ पांच ऑन एन एवरेज हर साल आप पांच परसेंट कमा रहे हैं डेट्स इट टोटल मिलाकर जो भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है फाइव हंड्रेड लैक्स टोटल प्रोजेक्ट कितना साल चल रहा है बीस साल तो ऑन एन एवरेज सर हम पांच परसेंट कमा रहे हैं ठीक है अगर मैं कहता हूँ कि ये लिमिटेड अब अब ध्यान से समझना मैं कुछ कहना चाहता हूं प्लीज प्लीज सुनना वो अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी है मेरा ये कहना है कि यार 20 साल से ज्यादा प्रोजेक्ट चलेगा नहीं 20 साल बाद बंद हो जाएगा अगर हम इसको डिले भी करेंगे तो इसका टोटल 20 साल है इट मीनस अगर मैं दो साल बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं तो अठारह साल ही चलेगा तो मुझे बस इतना बताओ मतलब मेरा कहना है कि बीस साल मेरा लिमिट है बीस साल के बाद वो यूजलेस है मैं ऐसा समझ लो मेरे पास कोई पैटेंट है आप रहा मेरे पास कोई पैटेंट है ठीक इसका यूज बीस साल ही कर सकता और बीस साल के बाद ये पैटेंट यूजलेस हो जाए। और मैं इस पैटेंट को यूज करके प्रोडक्शन मैं, कि मैं प्रोडक्शन कितने साल तक कर सकता हूं बीस साल तक तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आया पांच लाख अगर मैं इस पैटेंट को यूज नहीं कर सकता या डिले करता हूं एक साल तो मेरा तो नुकसान है यार ऑन एन एवरेज कितने परसेंट का नुकसान है यही तो ऑप्शन है ऑप्शन का मतलब क्या है डिविडेंड यील्ड का मतलब मैं क्या समझाया कि क्योंकि मैं शेयर नहीं खरीद रहा हूं तो उसकी वजह से मुझे क्या सैक्रीफाइस करना पड़ रहा है डिविडेंड तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मैं पेटेंट को यूज नहीं करता हूं उसको डिले करता हूं तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है डिविडेंड और डिविडेंड कितना है पांच परसेंट दैट्स इट और कुछ नहीं है. सर इसका क्या यूज होने वाला बस कुछ यूज नहीं वाला मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ जो पूछ रहा हूँ मुझे कॉमन सेंस लगा कर जवाब दो कि अगर इस पेटेंट को मैं यूज नहीं करता हूँ डिले करता हूँ तो क्या मेरा नुकसान है यस सर जो मैं कमाई करना चाहता हूँ क्या नुकसान हो जाएगा यस सर पाँच परसेंट का नुकसान हो जाएगा और पाँच परसेंट को मैं डिविडेंड भी बोलूँ तो कोई गुनाह नहीं है ओके okay. डिविडेंड भी वही है मेरी कमाई अगर मैं एक्चुअल में प्रोजेक्ट यूज करता हूँ तो मुझे की कमाई होती। पर अगर मैं नहीं होगी हालांकि पांच परसेंट ऐसे नहीं निकालता वो किसी और जुगाड़ से निकालता बोलता तो टोटल कितना लाइफ है बोले बीस साल तो वो वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी कर देता वन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई ट्वेंटी अभी भी पांच ही आया यस, वो ऐसे निकाल लेता और वैसे आना ही है वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी करके मतलब वन डिवाइडेड बाई ईयर कर देता जो आया बोलते वो है ये है डिविडेंड यील्ड ओके अगर सर ये तीस साल रहा तो वन डिवाइडेड बाय थर्टी और ऐसे भी करते तो आपका वैसे ही तो आता ना एक ही तो बात है बस आपको ये समझना ठीक है एक रफली आइडिया दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे पहुंचना अब मैं पहुंच रहा हूं उस एक क्वेश्चन पे जिसके लिए मैं एक घंटा आपका सिर दर्द कर कर दिया ठीक है सर उस क्वेश्चन पे हम मैं पहुंचने वाला हूं और ये रहा वो क्वेश्चन बस इसके बाद डेरिवेटिव में और कुछ नहीं होगा और डेरिवेटिव में जो वेदर डेरिवेटिव है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव एग्जॉटिक ऑप्शन है और भी बहुत सारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है शायद ये सब थ्योरिटिकल है यस सर थ्योरी है जो मेरे डेरिवेटिव की थ्योरी में कवर हो जाएगा मैं कबा ऐसा नहीं है करवाऊंगा करना ही है पर ये इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स है ये सब डेरिवेटिव की वेदर डेरिवेटिव्स है एग्जॉटिक ऑप्शन है ठीक है हो जाएगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म हो चुका है ठीक है ये आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम बनाने जा रहे हैं ओके पढ़े पढ़ते एक ही बार करेंगे खत्म चलो स्टार्ट कर रहे मुझसे क्लास चल रही है ना तो भाई वो उनको मिलेगा ये सिक्योरिटी वैल्यूशन में है डेरिवेटिव का क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूशन में पेज नंबर वन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर वन मतलब सर वॉल्यूम नंबर कौन सा वॉल्यूम नंबर वॉल्यूम नंबर वॉल्यूम नंबर दिख रहा होगा आपको वॉल्यूम नंबर थ्री में मिलेगा ओके ओके सर और जो ए एफ एम के मॉड्यूल से करना चाहते हैं उनको डेरिवेटिव में क्वेश्चन मिलेगा इलेस्ट्रेशन नंबर फोर पेज नंबर नाइन पॉइंट थ्री फोर अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इस क्वेश्चन में गलतियाँ हुई है सर इसमें भी गलती किया है कि इंस्टीट्यूट ने हाँ और इसका कोई इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं है मतलब ए के मॉड्यूल में डला, डला हुआ है कोई कॉरिन में इश्यू नहीं किया है तो फिर कोई मतलब नहीं है जो है उसी के हिसाब से काम मैं बताऊंगा कि कहाँ गलती है पर वो गलती मैं भी करूंगा पढ़े यस देखा एबीसी लिमिटेड इज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोसेसिंग अ पेटेंट उनके पास एक पेटेंट है और उससे एड्रग्स बनाना चाहते हैं जो जो यूज होता है एड्स पैसेंट के लिए ठीक है कहानी है तो बस इतनी बात समझ में आई कि इन लोगों के पास पैटेंट होल द राइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड इट्स मार्केटिंग ठीक है द पीरियड ऑफ पैटेंट इज फिफ्टीन ईयर्स उस पेटेंट का यूज कितने साल तक कर सकते हो सर पंद्रह साल तक कर सकते हैं बस अगर सर दो साल बाद यूज करे तो फिर वो पीरियड कम हो जाएगा अब भी कितना साल यूज कर सकते हो पंद्रह साल दो साल बाद से यूज डिले भी कर सकते हो डिले करोगे तो फिर वो थर्टीन ईयर्स हो जाएगा ठीक है ये सब बता रहा हूं ना क्योंकि काम आने वाला है बोले पंद्रह साल बाद दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग प्रोड्यूस कर सकती है सेम फॉर्मूले से भैया कमाने के लिए आपके पास पंद्रह साल का टाइम है उस पैटेंट से यूज कीजिए ड्रग्स मैन्युफैक्चर कीजिए और कमाइए

इन्वेस्टमेंट को मैंने एस जीरो बोला था कि ई e बोला था सर जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे अगर उससे ज्यादा पैसा आएगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे याद है तो सर ये क्या हो गया ये हो गया ई डॉलर ट्वेल्व पॉइंट फाइव इससे ऊपर आना चाहिए एस एस कैसे निकलता सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ठीक पहली क्लास होना जरूरी है आपका रियल ऑप्शन का नहीं तो समझ में आएगा नहीं एज पर अ सर्वे कंडक्टेड एक्सपेक्टेड यही चाहिए था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द सेल और पंद्रह साल तक जो पैसा आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू है सर ये हो गया एस कितना सिक्सटीन पॉइंट सेवन जीरो बस यही समझाना था आपसे एकमात्र गलती यही होने वाली है क्या एस और ई e? एस का मतलब जो फ्यूचर में पैसा आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू सर यहाँ हम लिख ले क्या हाँ जी लिख लेते हैं जो काम की चीज है काम की चीज में हमको क्या मिला ई वन सर हमें मिला है ई ई एक्सरसाइज प्राइस डॉलर ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन इन्वेस्टमेंट इससे ऊपर जाएगा तो और क्या मिल गया एस जीरो और एस जीरो कितना मिल गया सर डॉलर सिक्सटीन पॉइंट सिक्स ठीक है Okay, और लाइफ भी मिल गया मतलब टाइम और टाइम कितना साल मिला सर पंद्रह साल।, साल कैश फ्रॉम पंद्रह साल शेल भी इतना है ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम द प्रीवियस सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग हैव अ वेरिएंस ऑफ ये एक दिक्कत है बस यही एक दिक्कत है अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में जो दिक्कत है बस वही है इंस्टीट्यूट ने फ्रेमिंग ठीक से नहीं किया ये वाला दिक्कत है और दिक्कत क्या है ये शब्द शब्द क्या लिखा है है ठीक अगर वेरिएंस दिया है, तो क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं हाँ सर पोर्टफोलियो का नॉलेज जरूरी है सर स्क्वायर रूट करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा अगर ध्यान से समझो ध्यान से सर वेरिएंस के साथ परसेंटेज शब्द लगाया सुनोगे बेटे सुनोगे गलती क्या हो रही है सर वेरिएंस अगर सुनो नॉर्मल होता नॉर्मल मैं नॉर्मल की बात करता हूँ सर नॉर्मल होता वेरिएंस दिया है तो दिया है सर 26.8 वैसे ही परसेंटेज स्क्वायर लिखा रहता है इन्होंने परसेंटेज लगाए तो मैंने मैं जब करवा रहा था क्वेश्चन जब कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा यार बात तो सही है वेरिएंस दिया है अगर वेरिएंस दिया है तो इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और मैंने इसी को स्क्वायर रूट किया अल्टीमेटली हम ऐसे ही तो करते हैं यार यस yes, और मैंने क्या किया 26.8 का स्क्वायर रूट कर लिया सॉरी 26.8 का स्क्वायर रूट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया फाइव कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना अगर मुझे परसेंटेज हटा के लिखना है तो फाइव पॉइंट वन सेवन सेवन डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो सर आपका स्टैंडर्ड एविशन आ गया जीरो पॉइंट जीरो तो होता है एक्चुअल में यही होता है इंस्टीट्यूट ने यहाँ गलती की सर क्या गलती की उन्होंने कहा भाई वेरिएंस देखो ना हम परसेंटेज में लिखे हैं तो इंस्टीट्यूट आप तो पहले से गलती करते हो पूरे पोर्टफोलियो में आपने वेरिएंस ऐसे ही लिखा है बोले नहीं हम क्या कहना चाहते सुनो उन्होंने हद कर दिया यार उन्होंने कहा वेरियंस, अब सुनना बेटे प्लीज यही है जिसमें गलती है इंस्टीट्यूट की यही एक पॉइंट है बोले देखो वेरियंस ना प्लीज गलत करवा रहा हूं पर ऐसे ही करना एग्जाम में मैंने पहले ना इस हिसाब से करवा दिया था वो सही भी था गलत नहीं था पर मुझे पास करवाना है पास करवाना तो कॉन्सेप्ट एक तरफ रहा पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो आईसीएआई क्या किया मैं वो करवा रहा हूँ उनका कहना यार 26.8 है ना तो चलो ना इसको आप डेसिमल में लिखते तो उन्होंने कहा 26.8 और परसेंटेज शब्द लिखा है इसलिए डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो सर बोले वेरियंस है वेरियंस ऐसे नहीं डिवाइडेड डिवाइडेड आप जस्टिफिकेशन जो बच्चे दे रहे हैं ना कि नहीं सर सही तो किया इंस्टीट्यूट ने सिर्फ परसेंटेज लिखा इसलिए डिवाइडेड बाय हंड्रेड किया तो भाई आप महान फिर मैं कुछ नहीं कर सकता कॉन्सेप्चुअल ठीक है मुझे ऐसा लगा परसेंटेज लिखा है वैसे परसेंटेज स्क्वायर लिखना चाहिए था पर ठीक है गलती हो जाती है स्क्वायर भूल गया होगा पर हमको तो मालूम है वेरिएंस में डिवाइडेड बाय दो बार या वेरिएंस दिया तो स्टैंडर्ड एवियेशन ऐसे निकालोगे उन्होंने ये नहीं करा उन्होंने कहा वेरिएंस ऐसे है, लिखा है बस ये एक गलती है और मुझे ऐसे ही करवाना पड़ेगा क्योंकि इस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है पॉइंट ओके okay, सर तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो पॉइंट सिक्स एट कर लेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो सर ये आ गया जीरो पॉइंट फाइव वन सेवन सेवन बस ये एक गलती है यहां तक ठीक है करेंट दे रखा है ट्रेजरी वॉल का बॉन्ड का तो सर ये हो गया आर और आर कितना है सेवन पॉइंट एट तो पॉइंट जीरो सेवन एट लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं अब सर डिविडेंड यील्ड दिया है क्या डिविडेंड यील्ड नहीं दिया है तो सर डिविडेंड यील्ड लेना पड़ेगा और सर कैसे लेंगे इसमें तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है बेटे रियल ऑप्शन में लेना पड़ेगा और मैंने आपको बताया था बोलो हर साल कितना आप ध्यान से समझना मेरी बात ध्यान से समझना सर जो पंद्रह साल अब अब मैं यहां समझा दूं कि आपको हाँ सर समझा दो प्लीज अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज इस पे टाइम भले ही लगा दो क्योंकि आने वाला है अब सुनो अगर मैं कहूँ फिर से समझा रहा हूं उसी चीज को टोटल कितना है सर टोटल टोटल प्रेजेंट वैल्यू एस जीरो सिक्सटीन पॉइंट सेवन जीरो डॉलर सिक्सटीन पॉइंट सेवन millions सिक्सटीन पॉइंट सेवन ये कितने साल का प्रेजेंट वैल्यू है सर ये टोटल मिलाकर पंद्रह साल का प्रेजेंट वैल्यू जो पंद्रह साल प्रेजेंट वैल्यू निकाला ना उसका जो टोटल पंद्रह साल में पैसा आने वाला है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू है ठीक है जी बात समझ में आ गई अब मैंने कहा इसका परसेंटेज कैसे निकाल रहा है उन्होंने कहा इस इसका मतलब है हर साल ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है तो उन्होंने कहा ऑन एन एवरेज कमा रहा है सिक्सटीन पॉइंट सेवन हम हर साल कमा रहे हैं पंद्रह साल में तो हर साल कितना सिक्सटीन पॉइंट सेवन कमा रहे हैं पंद्रह साल में तो सर हर साल हमारा डॉलर वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट वन वन थ्री थ्री की कमाई हो रही है और टोटल मिलाकर कितना है सर सिक्सटीन पॉइंट सेवन तो क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हैं हर साल कितना कमाई हो रही है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंटेज लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है इसका मतलब क्या समझ रहे इसका मतलब समझ रहे अगर हम डिले करते हैं बिल्कुल ध्यान से मैंने अगर हम एक साल बाद करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइज हो रहा है कितना सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन परसेंटेज याद करो मैंने ऑप्शन में भी एक बात बताया था कि यार अगर हम शेयर की बात कर लेते डिविडेंड क्या है अगर हम शेयर खरीद नहीं खरीदते हम ऑप्शन खरीदते सुनना ध्यान से अगर हम शेयर नहीं खरीदते हैं अगर हम ऑप्शन खरीदते हैं तो सर अगर शेयर खरीदने से जो डिविडेंड मिल रहा था उसका सेक्रीफाइज होगा इसलिए हम डिविडेंड यील्ड को एडजस्ट करते थे किससे स्टॉक के प्राइस से यही बात यहां भी ये यह बात है कि सर ये डिविडेंड क्यों बोल रहा है बस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं डिले करता हूं या मैं ऑप्शन में जाता हूं तो ये डिविडेंड का मेरा सेक्रीफाइस होगा ठीक है सर और भी समझाओ और पूरी तरह से मैं समझा नहीं सकता हालांकि इंस्टीट्यूट इसको ऐसे नहीं करता है इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई कितना साल है पीरियड फिफ्टीन तो सीधा वो वन बाय फिफ्टीन कर देता हालांकि आप भी जानते हो आंसर उतना ही आएगा वन बाय फिफ्टीन वन बाय फिफ्टीन करोगे तो आंसर उतना ही आएगा ठीक है ओके सर तो बात समझ में आ रही है बस एक बात है यहाँ मुझे यील्ड निकालना पड़ेगा और यील्ड कैसे निकालते हैं वन बाय फिफ्टीन जितना भी साल है। तो सर वन बाय फिफ्टीन ओके अब हमको जो भी चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन है हमें निकालना हमें निकालना क्या है सर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ पैटेंट सर वैल्यू ऑफ कॉल की जगह क्या जाएगा वैल्यू ऑफ पैटेंट बस इतना है ओके स्टार्ट करें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर डी वन से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्टेप नंबर वन सबसे पहले मुझे D1 वन एंड डी निकालना है ओके सर सर D1 का फॉर्मूला ए जीरो डिवाइडेड बाय E, ठीक ओके सर एल एन आएगा N प्लस आर माइनस यल्ट सर य हम इसमें से भी माइनस कर सकते थे कि कर सकते थे आंसर एक किया आएगा पर नहीं करना रिसर्च नहीं करना प्लस वेरिएंस डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई किससे होगा सर टाइम्स डिवाइडेड स्टैंडर्ड एविशन यही फॉर्मूला था ओके okay, सर मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं डिविडेंड का अमाउंट निकाल के उसका प्रेजेंट वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे यहां नहीं लिखेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा तो सर वो ये वाला फॉर्मूला हम बी का जो स्टॉक वाला उसमें यूज नहीं कर सकते मैं फिर से बोल रहा हूं आपको ऐसे ही करना ओके सर एल एन एस जीरो कितना सिक्सटीन पॉइंट सेवन Divided. और ई है ट्वेल्व पॉइंट फाइव आर कितना है? सर पॉइंट जीरो सेवन है और डिविडेंड कितना पॉइंट जीरो सिक्स सेवन ले लू सिक्स सेवन ठीक है चल जाए तो वेरिएंस कितना है वेरियंस नहीं कितना आया था इतना ही आया था वेरिएंस कितना है बस वेरियंस पॉइंट टू सिक्स एट मजबूरी लेना पड़ेगा सर इसको स्क्वायर नहीं करोगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है गलत है हालांकि लेना पड़ेगा पॉइंट टू सिक्स एट ही था ना यस डिवाइडेड बाय टू और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा टाइम और टाइम कितना सा पंद्रह साल डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे सर पॉइंट टू सिक्स एट वैसे तो निकला हुआ है इन टू कितना साल पंद्रह साल

स्क्वायर रूट कर देंगे तो टू पॉइंट डबल जीरो फाइव अब देंगे वन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स का वैल्यू वैसे तो हमको निकालना आता है पर क्या दिया हुआ है यस सर एल एन वन पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स का वैल्यू दिया पॉइंट टू एट नाइन सेवन तो फाइनल करें पॉइंट टू एट नाइन सेवन प्लस टू पॉइंट वन सेवन फाइव डिवाइडेड बाय टू पॉइंट डबल जीरो आंसर आ जाएगा डी वन का सर यह आ गया वन पॉइंट टू टू नाइन चेक कर लो कर लीजिए सर उतना ही आएगा वन पॉइंट अब कहाँ गलती होगी टू एट नाइन सेवन सही है टू पॉइंट वन सेवन नाइन फाइव लिया इन्होंने तो इसको सिक्स सिक्स सेवन की मेरे ख्याल से इतना तो चल जाएगा पॉइंट टू एट नाइन सेवन प्लस टू पॉइंट वन सेवन फाइव डिवाइड टू पॉइंट डबल जीरो फाइव मेरा आंसर रहा वन पॉइंट टू टू नाइन उनका आप वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव सर वैसे ही करवा दी थी उन्होंने ना यहाँ सिक्स सिक्स सेवन लिया ठीक है सर क्या फ़र्क पड़ता है सिक्स सिक्स सेवन ठीक है ये तीन है तो ये भी तीन है। ठीक है चल जाए एक बार अभी करके देखूँ क्या यस सर पॉइंट टू सिक्स एट डिवाइडेड बाय टू प्लस पॉइंट ज़ीरो वन वन इंटू पंद्रह टू पॉइंट वन सेवन फाइव मेरा तो उतना ही आ रहा है ओके okay. इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा होगा सिक्स 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 सेवन लिया होगा इसलिए यहाँ गलत है आपका वन वन थ्री ले लेना टू सेवन नाइन फाइव बिल्कुल सर यहाँ मेरी गलती थी ये तीन डिजिट है तो ये भी तीन लेना चाहिए वन सेवन नाइन फाइव ये ज़ीरो है ना ये ज़ीरो है ना सर तो ठीक से लिखूँ क्या पॉइंट ज़ीरो सिक्स सिक्स सेवन चार डिजिट ले लिया मैंने ठीक है पर? ओके सर तो वन पॉइंट थ्री थ्री नहीं तो सर यहाँ यहाँ क्या जाए यहाँ जाएगा टू पॉइंट वन वन नाइन टू पॉइंट टू एट नाइन सेवन प्लस टू पॉइंट वन सेवन नाइन फाइव डिवाइडेड बाई टू पॉइंट डबल जीरो फाइव आंसर आया वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव सर आप तो आंसर मैच करवा रहे हैं आंसर मैच नहीं करवा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आपका एक्यूरेसट आंसर पॉइंट वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव मतलब सर ये चार डिजिट लिखना पॉइंट के बाद यस पॉइंट के बाद चार डिजिट लिखना ओके सर अब डी टू क्या हाँ अब डी टू निकाल लेते हैं सर डी टू का तो सिंपल सा फॉर्मूला है डी वन माइनस स्टैंडर्ड एविशन रूट टी और डी वन निकला था सर हमारा वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव और ये कितना निकला था भाई ये ये टू पॉइंट डबल जीरो फाइव सर ये तो माइनस में आ जाएगा वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव माइनस टू पॉइंट डबल ज़ीरो फाइव यस yes, तो सर ये माइनस में आ गया पॉइंट सेवन सेवन थ्री सर इतना काम हो चुका है yes, यस अब हमको निकाला एन डी वन और एनडी टू इन्होंने बिना इंटरपोलेशन के आंसर में लिख दिया है पर हमको टेबल देखना पड़ेगा टेबल आपको सिक्योरिटी वैल्यूशन की बुक में नहीं मिलेगी तो सर टेबल वॉल्यूम नंबर थ्री में मिल जाएगा वॉल्यूम नंबर वन में मिल जाएगा मैं वॉल्यूम नंबर वन में जो टेबल देख रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सर एग्जाम में कैसे करेंगे एग्जाम में कुछ कैलकुलेटर ट्रिक है कि कोई कैलकुलेटर ट्रिक नहीं है जेट टेबल देखने का सीधी सी बात है हमको टेबल ही देखना पड़ेगा और टेबल मिलेगा आपको पेज नंबर सिक्स में ओके तो स्टार्ट करें तो पहले क्या निकालने वाले सर पहले निकालने वाले हम एन डी वन मतलब हम निकालने वाले एन और डी वन कितना आया था मेरा वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव वन पॉइंट थ्री फाइव ये निकालना है हमें तो चेक करो कहीं ना कहीं वैल्यू दिया होगा सर इंटरपोलेशन सिखाओगे कि हाँ चलो सिखा देता हूँ याद दिला देता हूँ वन पॉइंट टू थ्री मतलब टू ज़ीरो टू फाइव के बीच में वन पॉइंट टू जीरो के सामने वैल्यू कितना दिया सर पॉइंट वन वन फाइव वन के सामने हुआ है 0 .1151. 0 .1151. Okay. और सर वन पॉइंट टू फाइव के बाद वैल्यू दिया है चेक करो का भी देखा सर 0 .1056. 0 .1056. सिर्फ इसी का निकालूंगा डी टू का मैं सीधा देख कर लिखूंगा ठीक है ये आपको करना पड़ेगा और मुझे वैल्यू कौन सी वाली चाहिए सर हमें चाहिए वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव वन पॉइंट टू थ्री वन फाइव तो जैसे ही इसको हम बढ़ाते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है डाउन हो जाता है ये डाउन तो सर पॉइंट वन वन फाइव वन पॉइंट वन वन फाइव वन पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट डबल जीरो तो ये तो आएगा जीरो पॉइंट होगा क्यों माइनस होगा क्योंकि डाउन हो रहा है बाकी इंटरपोलेशन आपको आता है तो सर किस के लिए? सर किसके लिए डिफरेंस इन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉइंट जीरो फाइव इंटू पॉइंट जीरो थ्री वन फाइव माइनस पॉइंट वन वन फाइव वन आंसर आ गया और ये आंसर आ गया जीरो पॉइंट वन जीरो नाइन वन पर मुझे कौन सा वाला टेबल मुझे ये क्या निकला सर ये टेल एरिया निकला पर मुझे तो क्यूमिलिटिव एरिया देखना होता है इसलिए मुझे इसको किससे माइनस करना पड़ेगा सर मुझे माइनस करना पड़ेगा वन माइनस पॉइंट वन ज़ीरो वन माइनस पॉइंट नाइन जीरो वन माइनस पॉइंट वन जीरो नाइन वन पॉइंट एट नाइन जीरो नाइन इसमें आंसर क्या दिया हु? पॉइंट एट नाइन वन जीरो चल जाएगा एट नाइन मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है जीरो ठीक है यस सर ऐसे ही क्या निकालना पड़ेगा एन डी टू मैं निकालूंगा नहीं जब लिखूंगा सर एन ND... डी मतलब सर एन माइनस पॉइंट सेवन सेवन थ्री सर माइनस दिया है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे टेल एरिया देखना है माइनस दिया है तो मैं वन में से मैं यही ले लूंगा ठीक है जो दिया है, वही ले लूंगा इंटरपोलेशन आप कर लोगे कर लोगे यार कर लोगे हाँ सर तो आपको बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्योंकि ये माइनस है तो मुझे वन से माइनस नहीं करना पड़ेगा ये जो निकलेगा जो भी आंसर आएगा यही मेरा एनडी टू हो जाएगा ओके तो इसमें इसी को देखकर लिख लेता हूं मैं और सर एन डी टू भी मिल गया क्योंकि टाइम नहीं है आप समझ रहे हो एनडी टू ये मैं खूब सिखा रखा हूँ बी एस एम में आपको और ये सर सीधा लिख रहा हूं पॉइंट टू वन नाइन सिक्स मेरे ख्याल से आपका निकल जाएगा यहाँ तक ठीक है ओके सर तो सर ये भी हो गए अब हम अपने फॉर्मूले पे आ जाए कि यस डी वन निकल गया डी टू निकल गया सब कुछ हो गए अब हम फॉर्मूले पे आ रहे हैं अब फॉर्मूला क्या बोलता है फॉर्मूला ये बोलता है, हमें क्या निकालना है वो वैल्यू ऑफ पैटेंट अब देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ पैटेंट या वैल्यू ऑफ कॉल सर वैल्यू ऑफ पेटेंट इज सर एजीरो तो आएगा ही आएगा ठीक है जीरो सर इसमें से डिविडेंड माइनस होगा ना यस yes. पर मैंने कहा इसका प्रेजेंट वैल्यू भी कर लोगे तो हो जाएगा तो सर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे ई माइनस yt y मतलब डिविडेंड यील्ड से मैं प्रेजेंट मैं प्रेजेंट वैल्यू कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझा चुका हूं e इसको भी e और यहां माइनस किया जाएगा सर rt अच्छा इसमें nd1 होगा सर मल्टीप्लाई किससे करेंगे nd1 माइनस ई आर टी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एन डी टू ओके सर एस जीरो कितना है सर एस जीरो सिक्सटीन पॉइंट सेवन डिविडेंड कितना था सर माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो ज़ीरो सिक्स सिक्स सेवन चार डिजिट टाइम कितना सर पंद्रह साल और एन डी वन कितना है सर ये आया था पॉइंट एट नाइन ज़ीरो नाइन पॉइंट एट माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना सर है ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट जीरो सेवन एट पंद्रह एन डी टू कितना आया था सर वो आया था पॉइंट टू वन नाइन सिक्स क्यों बोल रहा हूँ आ सकता है क्योंकि टेक्निकल है ओके पी एस एम तो वैसे एक जमाने से नहीं आया है हो सकता है ये देखिए तो सर सिक्सटीन पॉइंट सेवन इंटू ए पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन टू पंद्रह तो माइनस वन पॉइंट डबल जीरो ट्रिपल जीरो फाइव इंटू पॉइंट एट नाइन जीरो नाइन माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो सेवन एट टू पंद्रह तो माइनस वन पॉइंट वन सेवन इंटू पॉइंट टू वन नाइन सिक्स ठीक है अब चेक करो वैसे तो ये वैल्यू हमको निकालना आता पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस सर सर ई ई दिया है पर माइनस नहीं दिया मतलब ये फ्यूचर वैल्यू दिया नहीं इंस्टीट्यूट ने यहां भी गलती कर दिया यहां इनको माइनस का साइन लगाना चाहिए था क्योंकि ये दिख रहा है ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिख रहा होगा आपको पॉइंट थ्री सिक्स सेवन सेवन ये तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वहां माइनस का साइन होना चाहिए था क्वेश्चन में भी नहीं है

तो सर सिक्सटीन पॉइंट सेवन इंटू पॉइंट थ्री सिक्स सेवन सेवन इंटू पॉइंट एट नाइन ज़ीरो नाइन तो सर ये डॉलर आ गया फाइव पॉइंट फोर सेवन ज़ीरो सिक्स ज़ीरो सेवन माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट थ्री वन ज़ीरो फोर इंटू पॉइंट टू वन नाइन सिक्स तो सर ये आ गया डॉलर ज़ीरो पॉइंट एट फाइव टू ज़ीरो माइनस फाइव पॉइंट फोर सेवन जीरो सेवन तो आंसर आ गया आंसर मैच हो रहा है ना यस फोर डॉलर फोर पॉइंट सिक्स वन नाइन वैल्यू ऑफ पैटर्न तो सर ये क्वेश्चन प्लीज करके चले जा प्लीज ओके ठीक है तो डेरिवेटिव ख़त्म हो गया अब जो वेदर डेरिवेटिव इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप वगैरह का थियोरी है वो थियोरी वाले लेक्चर में आ जाएगा डेरिवेटिव कर लेना वो भी क्योंकि पता नहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको पूछ ले हो सकता नहीं प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसलिए मैंने डेढ़ घंटा खराब किया हूँ आपके लिए हालांकि इसमें गलती है और गलती मैं आपको बता गलती सर इस गलती को इस गलती को तो मैं इग्नोर करूंगा कि चलो ठीक है पर ये तो पूरी तरह से गलत है वेरियंस दे रखा है भाई परसेंटेज स्क्वायर नहीं लिखा है तो मैं मान रहा हूं कि अगर ये परसेंटेज स्क्वायर है तो खेल खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन गलत है पर रट्टा मारो ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय मिलते अगले चैप्टर में ओके सर डेरिविटी का जो भी अमेंडमेंट था मैं करवा चुका हूँ सिवाय थियरी के